हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो रियल कॉफिशियंट यानी कि कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट होंगे और जहां कॉन्स्टेंट जो आएंगे दैट शुड बी रियल उसका क्या रीजन है उस पर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तो इस इक्वेशन को मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स where f of d jo hai, this is nth derivative plus some a naught or a 1 n minus 1th derivative plus a 2 n minus 2th derivative and so on plus a n minus 1 y dash plus a n y is equal to 0. ये आपको दिया होगा यहां वाई एन का मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है जिसको आप इससे डिनोट कर सकते हो डी ऑफ वाई डी एन वाई इसको एफ डी से डिनोट किया गया है? और आप वेरीफाई कर सकते हैं ये जो एफ डी है ये अपने आप में एक लीनियर ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर जबरा में इसको हम प्रूव करेंगे कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है इट इज अ लीनियर ऑपरेटर ठीक है क्योंकि आप वाई प्लस सॉरी एफ प्लस जी का डेरिवेटिव करो या इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव करो दिस बॉथ वैल्यू आर सेम ठीक है अब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो दिस इज अल्फा और ये क्या आ जाएगा बीटा डेरिवेटिव ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर तो यहां एफ डी जो आएगा एफ डी क्या है डेरिवेटिव्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसको y, y का डेरिवेटिव किया जा रहा है तो बेसिकली ये अपने आप में एक लीनियर ऑपरेटर है तो इस पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो भी हम सॉल्यूशंस की डिस्कशन कर रहे हैं या जो भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है ये सारी के सारी हम लीनियर एल्ज्रा से भी रीडअप कर सकते हैं ठीक है तो उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे तो आई थिंक y टू दी पावर n और डी एन का नोटेशन का मीनिंग क्लियर होगा अब इस इक्वेशन की जगह मैं अगर एक इक्वेशन लिखता हूँ एफ ऑफ एम इक्वल टू जीरो तो दिस एम्प्लाइज एम टू दावर एन प्लस ए वन एम टू दावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम टू दावर एन माइनस टू एंड सो ऑन और लास्ट कॉफिशेंट ए एन माइनस वन एन टू एम प्लस ए एन इक्वल टू जीरो आ जाएगा क्लियर है तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई पोलिनोम है जिसके कॉफिशियंट कहां से आ रहे हैं रियल से कॉफिशियंट आ रहे हैं और एन डिग्री का पॉलिम है तो उसके पास एग्जैक्टली एन रूट होंगे जो सी में बिलोंग करेंगे जरूरी है कि सारे रूट रियल रूट हों बट गारंटी है कि सारे के सारे रूट हमेशा सी में एग्जिट जरूर करेंगे ठीक है तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन आर एन रूट्स ऑफ इक्वेशन वन एंड दिस इक्वेशन वन इज कॉल्ड ऑग्जलरी इक्वेशन ठीक है तो इक्वेशन वन को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपके पास इसके पास एन रूट्स हैं दे मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स मे बी रिपीटेड और मे बी डिस्टिंग यहां अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो डेफिनेटली जो एफ ऑफ एम इक्वल टू क्या जाएगा एम माइनस लेमडा वन एम माइनस लेमडा टू एम माइनस लेमडा थ्री एंड और एम माइनस लेमडा एन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे यहां से कंपेयर करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा छोरी ऑफ इक्वेशन से समीशन आई वेरिंग दैट शुड बी माइनस ऑफ इवन इस इंफॉर्मेशन का हम थ्रू आउट यूज करेंगे जो रूट है वो जो एन माइनस वन डेरिवेटिव है उसके कोफिशियंट का नेगेटिव साइन होगा ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन अगेन जो एम टू पावर एन माइनस टू का कोफिशियंट पिक करोगे यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है तो आई वेर सॉरी वन लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल टू एन लेमडा i लेमडा जे दिस शुड बी इक्वल टू ई टू यानी कि दो दो रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे

और लेम्डा ए, लेमडा जे और लेमडा के पिक करेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए थ्री तो अल्टरनेट साइन और अगर सारे रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज अ नोटेशन फॉर प्रोडक्ट आई बैरिंग फ्रॉम वन टू एन लेमडाई तो वो क्या आ जाएगा माइनस वन टू दावर एन इन टू ई एन जैसे इन पर्टिकुलर अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपके पास y डबल डैश प्लस ए वन वाई डैश प्लस ए टू वाई इक्वल टू जीरो आएगा और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं m माइनस वन और या ऑग्जुलर इक्वेशन अगर लिखते हैं तो वो क्या आएगा एम स्क्वेयर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इक्वल टू एम माइनस लेमडा वन एम माइनस लेमडा टू तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्र एम का कॉफिशियंट क्या आएगा माइनस ऑफ लेमडा वन प्लस लैमडा टू एंटू एम प्लस लेमडा वन इंटू लेमडा टू तो कॉफिशियंट कंपेयर करोगे तो लैमडा वन प्लस लैमडा टू क्या गया माइनस ऑफ ए वन और लैमडा वन इंटू लेमडा टू क्या आ गया आपके पास ए टू तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है टू तो ये जो है एन इक्वल टू टू पे क्या आ जाएगा ए टू क्लियर इसी तरह थ्री ऑर्डर के लिए डिस्कस करेंगे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगेन जैसे एम क्यू प्लस ए वन एम स्क्वेयर प्लस ए टू एम प्लस ए थ्री इक्वल टू क्या आएगा आपके पास एम माइनस लेमडा वन एम माइनस लेमडा टू एम माइनस लेमडा थ्री तो यहाँ से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू इन टू एम प्लस लेमडा वन इन टू लेमडा टू और फाइनली किससे मल्टीप्लाई करना है एम माइनस लेमडा थ्री से और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट हम एम क्यूब माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू एम स्क्वेयर प्लस लेमडा वन लेमडा टू एम देन माइनस साइन के साथ एम स्क्र लेमडा थ्री देन माइनस ऑफ लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू लेमडा थ्री एम देन माइनस साइन के साथ सॉरी फर्स्ट टर्म आपके पास एम क्यूब सेकेंड टर्म एम स्क्र की टर्म आएगी थर्ड टर्म एम इंटू दिस वन और इस लैमडा थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन और ये जो साइन आएगा प्लस साइन आएगा देन उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस लैमडा वन लेमडा टू एंड लेमडा थ्री अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहली टर्म एम क्यूब ऑफ़ एम स्क्वेयर अगर देखेंगे तो यहाँ से लेमडा वन प्लस लेमडा टू और यहाँ से लेमडा थ्री विद नेगेटिव साइन तो ये आ जाएगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इंटू एम स्क्र कोफिशियंट ऑफ एम अगर देखेंगे तो लेमडा वन इंटू लेमडा टू लेमडा वन लेमडा थ्री लेमडा टू लेमडा थ्री तो विद प्लस साइन तो लैमडा वन लेमडा टू लेमडा वन लेमडा थ्री लेमडा टू लेमडा थ्री विद एम और माइनस लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री आ जाएगा तो आपके पास ये जो ए वन है माइनस ऑफ समीशन ए आई लेमडाई ए टू जो है टू टू लेमडाई का प्रोडक्ट है और ए थ्री जो है वो माइनस लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री इनका प्रोडक्ट है ठीक है तो ये आपके पास जर्नल है जो आप इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज अ ट्रू ठीक है जैसे आप एम एन इक्वल टू टू के लिए ज्यूम करोगे सॉरी एम इक्वल टू टू के लिए प्रूफ करोगे और K के लिए ज्यूम करोगे प्लस वन के लिए प्रूफ करोगे तो ये आपके पास थ्योरी आ जाएगी अब इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे उस पर अभी आते हैं आई थिंक यहां तक क्लियर है तो इफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स ये अगर एनए थोड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट तो डेफिनेटली ये इक्वेशन लिख सकते हैं और ये इक्वल टू क्या जीरो यानी कि दिस इक्वेशन द डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगा डी माइनस लेमडा वन डी माइनस लेमडा टू एम की जगह डी की जगह हमने क्या रिप्लेस करा था एम तो एम की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं डी और डी माइनस लेमडा एन ऑफ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं q ऑफ x क्लियर है अब हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि इफ क्यू ऑफ एक्स इज जीरो यानी कि होमोजीनियस ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके सोल्यूशन को कैसे डिस्कस करेंगे तो ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रियल कॉफिशेंट तो इसके सोल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे ठीक है तो अगर आपके पास ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये क्वांटिटी जीरो और ये क्वांटिटी जीरो है तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डी माइनस लेमडा वन डी माइनस लेमडा टू ऑन और डी माइनस लेमडा एन वाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ जो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है दोज आर रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसको मैं एक न्यू फंक्शन यू अज्यूम कर सकता हूँ तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज एल डी माइनस लेमडा वन यू इक्वल टू तो जीरो यहाँ जो u है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है d माइनस लेमडा टू डी माइनस एंड सो ऑन डी माइनस लेमडा एन ऑफ वाई और ये जो इक्वेशन आ गई ये क्या First order linear आ गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन आ गई तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन ये क्या है यू डैश माइनस लेमडा यू इक्वल टू जीरो लेमडा वन यू इक्वल टू जीरो तो सोल्यूशन क्या आएगा यू ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस लेमडा वन एक्स इक्वल टू सम आर्बिटरी कॉन्सटेंट इवन तो यू ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा ई टू दॉरी सी वन ई टू पावर लेमडा वन एक्स डेफिनेटली एक सोल्यूशन अब इसे यूएक्स की अगर वैल्यू पुट कर देता हूं तो दिस एम्प्लाइज क्या है डी माइनस लेमडा टू डी माइनस लेमडा थ्री और डी माइनस लेमडा एन वाई इज इक्वल टू क्या गया सी वन ई टू पावर लेमडा वन एक्स आ गया अब इन सारे वेक्टर को वी और U1 पिक कर लेते हैं ये जो क्वांटिटी है इसको U1 पिक कर लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा दिस एम्प्लाईज D माइनस लेमडा टू U1 वन इज इक्वल टू सी वन ई टू दावर लेमडा वन एक्स अब अगर लेमडा वन लेमडा टू इक्वल हो गए तो अलग केस आएगा और लैमडा वन लेमडा टू डिफरेंट हो गए तो अलग केस आएगा तो फर्स्ट सिचुएशन इफ लेमडा वन एन नॉट इक्वल टू लेमडा टू तो यहां से ये एक अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये क्या जाएगा u1 e ई टू दावर माइनस लेमडा टू एक्स इंटीग्रेशन सी वन ई टू दावर लेमडा वन माइनस लेमडा टू एक्स डी एक्स ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो यहाँ से यू वन एक्स क्या आ जाएगा आपके पास सॉरी प्लस सम आर्बिटरी कॉन्स्टेंट c2 तो यू वन आपके पास आ जाएगा c1 वन अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू टू दी पावर लेमडा वन माइनस का सोल्यूश मिल जाएगा और इसको न्यू कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं सी वन डैश से तो अगर आपके पास दो डिस्टिंग रूट है तो सोल्यूशन किस टाइप का मिलेगा समथिंग सी वन ई टू दावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू टू दावर लेमडा टू एक्स और सिमिलरली अगर थ्री डिस्टिंग रूट है तो यहां एक और फैक्टर आ जाएगा सी थ्री टू द पावर लैमडा थ्री एक्स एंड सो ऑन तो अगर आपके पास ऑग्जलरी इक्वेशन के सारे रूट्स डिस्टिंग हैं तो सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा तो फर्स्ट सिचुएशन यहां से मैं और पैरल सेकेंड सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लैमडा वन इक्वल टू लेमडा टू हो जाए तो इफ लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू है ठीक है तो इस इक्वेश केस में ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी d इसको कर लेते हैं लेमडा तो d माइनस लेमडा यू वन इक्वल टू सी वन ई टू दावर लेमडा ऑफ x अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u1 वन ई टू द पावर माइनस लेमडा ऑफ x इंटीग्रेशन c1 e ई टू दावर लेमडा माइनस लेमडा x डी एक्स प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी तो यहां से u1 x एक्स इक्वल टू क्या गया सी वन एक्स प्लस सी टू होल इन टू ई टू पावर लेमड एक्स यानी कि अगर कोई एक रूट है जो रिपीटेड रूट आ गया ठीक है तो दो सिचुएशन लेके चल रहा हूं अगर रूट डिस्टिंग है तो सोल्यूशन का फॉर्मेट ये आएगा लेमडा वन एंड लेमडा टू आर डिस्टिंग रियल डिस्टिंग रूट्स नीड नॉट बी रियल ठीक है तो सोल्यूशन शुड बी ऑफ द फॉर्म समथिंग सी वन ई टू दावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू दावर लेमडा टू एक्स इफ रूट आर रिपीटेड लेमडाडा टू आर रिपीटेड रूट देन सोल्यूशन शुड बी ऑफ द फॉर्म सी वन एक्स प्लस सी टू ई टू दावर लेमडा ठीक है इसी तरह तीन रूट रिपीट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा सी वन एक्स स्क्स सी टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू दावर लेमडाक्स तो इन जनरल आपके पास यहां दो सिचुएशन है फर्स्ट सिचुएशन ऑल रूट्स आर ए डिस्टिंक और सेकेंड सिचुएशन सम ऑफ रूट्स आर रिपीटेड तो उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो फर्स्ट केस इफ ऑल रूट्स लेमडा वन लैमडा टू लेमडा एन आर डिस्टिंक अभी तक मैं रियल की बात नहीं कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं इट मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स मे बी कॉम्प्लेक्स <coughs> में क्या हो सकते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो सकता है और रियल पार्ट जीरो हो सकता है तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है सिंपली क्या पिक करें डिस्टिंग रूट्स तो देन जो सॉल्यूशन आएगा वाई ऑफ एक्स वो क्या मिल जाएगा आपके पास सी वन ई टू द पावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर लेमडा टू एक्स एंड सो ऑन प्लस सी एन ई टू द पावर लेमडा एन इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n c ऑफ i e टू द पावर लैम्डा i x सो so, यहाँ e टू द पावर लैम्डा 1 e टू द पावर लैम्डा 2 x और e टू द पावर लैम्डा x nx ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि e टू द पावर लैम्डा 1 x इज नॉट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ e टू द पावर लैम्डा 2 x If and are not equal, by आप चेक कर सकते हो तो ये जितने भी सोल्यूशन है, है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है एन एथ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके जर्नल सोल्यूशन में कितने एल आई सोल्यूशन आएंगे एग्जैक्टली एन एल आई सोल्यूशन दिस वन इज दर्नल सोल्यूशन ठीक है अब यहां सी वन सी टू सी एन को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू साइन कर दोगे तो दैट इज दर्टिकुलर सोल्यूशन नेक्स्ट इफ समी रूट्स आर रिपीटेड कुछ रूट्स अगर रिपीट कर जाए तो क्या इफेक्ट आएगा तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेमडा वन लेमडा टू इक्वल टू लेमडा थ्री अप टू इक्वल टू लेमडा के इज लैमडा एंड रिमेनिंग लैमडा के प्लस वन लेमडा के प्लस टू अप टू लेमडा एन ठीक है सो so, हमने अगर कोई एक रूट टू टाइम रिपीट करता है तो सोल्यूशन किस टाइप का था सी वन एक्स प्लस सी टू ई टू दावर लेमडा एक्स अगर थ्री टाइम रिपीट करेगा तो सी वन एक्स स्क् प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू दावर लेमडा एक्स तो इन जनरल अगर ये के टाइम रिपीट कर रहा है तो आपके पास जो वाई एक्स आएगा इनके रेस्पेक्ट में एक सोल्यूशन आएगा वो क्या सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्र अपू कहाँ तक जाएंगे के आर्बिटेरी कांस्टेंट होने चाहिए तो सी के एक्स टू दी पावर के माइनस वन होल इन टू ई टू दावर लेमडा एक्स प्लस ये डिस्टिंग रूट है तो इस रूल से ये क्या आ जाएगा सी के प्लस वन ई टू दी पावर लेमडा के प्लस वन एक्स प्लस सी एन ई टू दावर लेमडा एन एक्स क्लियर तो ये आपके पास है जनरल सोल्यूशन वेन एवर योर के रूट आर रिपीटेड एंड रिमेनिंग आर ए रियल रूट और डिस्टिंक रूट ठीक है दो सिचुएशन आ गई अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर कोई एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो यहां रियल कोफिशेंट का इफेक्ट आएगा ठीक है तो अगर मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है जिसके पास कोफिशियंट रियल हैं और एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो मैं एक जर्नल थ्योरी पहले डिस्कस करता हूं पी एक्स एक है विच इज से ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन और ए आई जो है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं रियल से ठीक है तो ये मैं गैलवा एक्सटेंशन में डिटेल में प्रूफ करूंगा जनरल फील्ड के रिस्पेक्ट में तो एफ जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट पी ऑफ जेड इज जीरो तो इसका मीनिंग क्या है ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस ए एन जेड एन इट शुड बी जीरो एम्प्लाइज इस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस ए एन जेड एन इक्वल टू जीरो बहुत साइड कॉन्जुगेट ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बेसिकली एम्प्लाईज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए नॉट कॉन्जुगेट ए वन कॉन्जुगेट जेड वन कॉन्जुगेट ए टू कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वेयर प्लस ई एन कॉन्जुगेट जेड एन कॉन्जुगेट जेड टू दावर एन कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो और सारे ए आई रियल हैं तो इनका कॉन्जुगेट वो सेम ही होगा तो दिस इम्प्लाइज ए नॉट प्लस ए वन जेड वन कॉन्जुगेट प्लस ए सॉरी ए वन जेड कॉन्जुगेट प्लस ए टू जेड स्क्वेयर कॉन्जुगेट एंड ए एन जेड कॉन्जुगेट होल पावर एन तो इसका मीनिंग क्या है दिस इम्प्लाइज पी ऑफ जेड कॉन्जुगेट शुड बी जीरो तो क्या प्रूफ हुआ अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है जिसके कोफिशियंट रियल हैं, अगर कोई भी एक इक्वेशन है जिसके कोफिशियंट क्या है रियल कॉफिशियंट है और एक रूट मिल जाए विच इज अ कॉम्प्लेक्स रूट इफ जेड इज अ रूट विच इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस पोलिनोम देन इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज रूट ऑफ द यानी कि किसी भी रियल कॉफिशियंट की पोलिनोमल के पास जो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं रूट मस्ट बी इन आर कॉन्जुगेट पेयर ठीक है इस चीज को मैं जनरल केस लिख देता हूं ठीक है आप ये जो प्रूफ करेंगे वो फील्ड एक्सटेंशन में प्रूफ करेंगे जब हम गैलवा ग्रुप पढ़ेंगे अभी उस चीज के प्रूफ में नहीं आ रहा लेकिन डायरेक्टली हो सकता है कि यहां से या लीनियर एलजेब्रा में इस कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कंसेप्ट क्या है कि एफ एफ प्लस डॉट बी आ फील्ड एंड f डैश प्लस डॉट बी आ फील्ड ऑफ f तो आई थिंक आज तक आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम रियल कॉफिशियंट क्यों लेके चल रहे हैं रियल कॉफिशियंट का यहां यूज क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो क्या आएंगे कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे और जब कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे तो सोल्यूशन पे जो सोल्यूशन आता है कॉम्प्लेक्स रूट्स के रिस्पेक्ट में वो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिल जाता है ठीक है अगर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे कॉम्प्लेक्स uh, कॉम्प्लेक्सिएट होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट पेयर में आए तो F प्लस डॉट बी अ फील्ड एंड एफ डैश प्लस डॉट बी ए सब फील्ड तो बेसिकली f इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ f डैश तो एफ पी ऑफ इज अ पॉलिनोम बिलोंगिंग टू एफ डैश एक्स पी एक्स एक पॉलेनो है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है पैरली जो पर्टिकुलर केस है वो लिख लेते हैं पी एक्स बिलोंग्स टू क्या है आर ऑफ एक्स रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है। एंड देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू एफ सच दैट पी एट अल्फा इज जीरो एम्प्लाइज अल्फा कॉन्जुगेट बिलोंग्स टू एफ अब यहां अल्फा कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करूंगा अल्फा कॉन्जुगेट का यहां मीनिंग क्या है कि सम एफ ऑफ अल्फा वेयर जो एफ है इट इज फ्रॉम एफ टू तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू एफ डैश वो सारी और कोई भी एफ एक ऑटोमोरफिजम है जो बीटा को कहाँ मैप करेगा बीटा पे अगर बीटा एफ डैश का एलिमेंट है यानी कि एफ डैश के एलिमेंट सेल्फ इमेज है और एफ से एफ पे ऑटोमोरफिजम है तो इस अल्फा का जो इस एफ ऑटोमोरफिजम के रिस्पेक्ट में इमेज आएगा उसको क्या डिनोट किया गया है एफ कॉन्जुगेट तो देन दिस अल्फा विच इज एफ अल्फा बार विच इज कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ पी एक्स ये इंफॉर्मेशन है जैसे अगर मैं यहां अल्फा बिलोंग्स टू सील पिक कर लेता हूं और एक एफ मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं सी में जो एलिमेंट आएंगे एक्स प्लस आईटा वाई उनको मैप कर देते हैं एक्स माइनस आई वाई तो ये जो एफ मैपिंग है दैट इज अ सी टू सी मैपिंग है और इसमें हर रियल नंबर का इमेज हमेशा सेल्फ इमेज आएगा और आप ये वेरीफाई कर सकते हो ये जो मैपिंग आएगी इट इज ऑटोमोर्फिजम तो यहाँ अल्फा का इमेज क्या आएगा अल्फा कॉन्जुगेट आएगा तो इस मैपिंग की हेल्प से हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं कि एवरी कॉन्जुगेट ऑफ रूट सॉरी इफ अल्फा इज रूट ऑफ दिस पॉलिमल देन द कॉन्जुगेट ऑफ दिस अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस पॉलिमर। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूं इसमें जैसे अगर पी ऑफ एक्स बिलोंग करते हैं क्यू ऑफ एक्स से रैशनल कॉफिशेंट से और अल्फा पिक कर लेते हैं टू प्लस और वन प्लस रूट टू तो ये कहां से बिलोंग कर जाएगा आपके पास और वन प्लस या आइटा रूट टू इसको बिलोंग करवा देते हैं क्यू आइटा रूट टू ये अपने आप में एक फील्ड है क्यू आइटा रूट नोटेशन में डिफाइन कर सकता हूं और ये नोटेशन का मीनिंग क्या है सम ए प्लस बी आइटा प्लस सी रूट टू प्लस डी आइटा रूट टू जो ए बी सी डी हैं वो कहां से बिलोंग करेंगे क्यू से बिलोंग करेंगे ये अपने आप में एक फील्ड बनाता है बाई डेफिनेशन चेक कर सकते हैं इसको तो इसके जो कॉन्जुगेट आप डिफाइन कर सकते हो वो क्या डिफाइन कर सकते हो पहले तो इस फील्ड के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट डिफाइन करेंगे तो आईटा माइनस रूट टू और इसको ये कॉफिशेंट रियल भी है तो इन दोनों के कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू सी डिफाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा से ये अल्फा वन है ये अल्फा टू है ये अल्फा थ्री वो कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ से कॉन्जुगेट लेंगे माइनस आइटा प्लस रूट टू और अल्फा फोर इसका कॉन्जुगेट डिफाइन करेंगे सी में तो अल्फ़ा फोर इज माइनस सॉरी माइनस आइटा माइनस रूट टू तो अगर आपके पास पी एट अल्फ़ा वन जीरो है तो दिस एम्प्लाइज पी ऑफ अल्फा इज जीरो फॉर ऑल आई यानी कि ऐसी कोई भी पोलिनोम जिसके कॉफिशियंट क्यू से हैं और ये अल्फा वन अगर रूट है तो ये चार रूट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे तो इस पोलिनोम का डिग्री एटलीस्ट फोर होगा प्रोवाइडेड इट इज नॉन जीरो पोलिनमिल अब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा सकती है और उसमें एक ऑग्जलर इक्वेशन का एक रूट ये है और कॉफिशियंट कहाँ से है क्यू से और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फोर है तो रिमेनिंग रूट आप डायरेक्टली यहां से फाइंड कर सकते हो और अगर सारे रूट आ गए तो आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो ठीक है तो यहां यूज हो रहा है कॉम्प्लेक्स रूट और कॉन्जुगेट रूट का क्लियर है रहे? तो ये जब आप फील्ड एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होंगी आपको तो अभी तक हमने केस डिस्कस करें कि अगर रूट्स डिस्टिंक हैं तो सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा रूट्स रिपीटेड हैं तो सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा थर्ड सिचुएशन एफ देर एग्जिस्ट सम कॉम्प्लेक्स रूट ठीक है तो मैं लेमडा को ज्यूम कर लेता हूं विच इज अल्फा प्लस आइटा बीटा यह कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका कॉन्जुगेटर लैमडा टू अज्यूम कर लेते हैं विच इज अल्फा माइनस आइटा बीटा आर अ रूट एंड रिमेनिंग लैमडा थ्री लेमडा फोर लैमडा एन बिलोंग्स टू आर है और अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टिंग अगर ये रिपीट करके तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो इसको तो उसके इसमें जो सोल्यूशन आएगा इन दोनों रूट्स के रिस्पेक्ट में वाई ऑफ एक्स सी वन ई टू दावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू दावर लेमडा टू एक्स प्लस समीशन आई वेरिंग फ्रॉम थ्री टू एन सी आई ई टू दावर लेमडाई एक्स आएगा ठीक है अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं उस पर आता हूं सी वन ई टू power अल्फा प्लस आईटा बीटा ऑफ एक्स है प्लस सी टू ई टू दावर अल्फा माइनस आईटा बीटा ऑफ एक्स सो दिस इज इक्वल टू ई टू दावर अल्फा एक्स गेट कॉमन आउट सी वन ई टू दावर आईटा बीटा एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस आईटा टाइम साइन ऑफ बीटा एक्स ये लिख सकते हैं इसको प्लस सी टू इन टू इस क्वान्टिटी को कॉस ऑफ बीटा एक्स माइनस आइटा टाइम साइन ऑफ बीटा एक्स लिख सकते हैं और इसको फाइनली ई टू पावर अल्फा एक्स जो कॉस की टर्म है उनको अलग कर लेते हैं सी वन प्लस सी टू होल इन टू कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस आइटा टाइम सी वन माइनस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स और इसको किसी न्यू कॉन्सटेंट से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या गया पावर अल्फा एक्स समसी वन डैश इसका मीनिंग डेरिवेटिव नहीं है कहीं कांस्टेंट का डेरिवेटिव करके जीरो कर दो तो इसका मीनिंग क्या समर्बिटे कॉन्सटेंट सी वन प्लस सी टू दिस इज cos ऑफ बीटा एक्स प्लस इसको सी टू डैश लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा एक्स तो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं समसी वन डैश कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सॉरी ए टू पावर अल्फ एक्स थ्रू आउट कॉमन आउट सी वन डैश कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू डैश साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस रिमेनिंग जो फैक्टर है आई बेरिंग फ्रॉम थ्री टू एन सी आई ई टू पावर लेम एक्स तो अगर आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और डिस्टिंग रूट अज्यूम कर रहा हूं तो उस केस में एक सोल्यूशन जो आ जाएगा वो इस टाइप का जाएगा। आ जाएगा क्लियर है थर्ड सिचुएशन ये आ गई अब कॉम्प्लेक्स में भी कुछ रूट अगर रिपीट कर जाए कॉम्प्लेक्स में भी अगर कुछ रूट रिपीट कर गए तो फोर्थ सिचुएशन एफ देर एग्जिस्ट रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट यहां कॉम्प्लेक्स रूट का मीनिंग है कि इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है है वो जीरो नहीं है. तो वन को अज्यूम कर सकता हूं अल्फा प्लस आइटा बीटा तो लेमडा टू भी अगर ये रिपीट कर रहा है तो अल्फा प्लस आइटा अज्यूम कर रहे हैं कि एक रूट है जो टू टाइम रिपीट कर रहा है तो इनका कॉन्जुगेट भी रिपीट करेगा तो लेमडा थ्री क्या जाएगा अल्फा माइनस आइटा बीटा और लैमडा फोर आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस आइटा बीटा और उसके बाद लेमडा फाइव लैमडा सिक्स एंड सो ऑन लेमडा एन आर डिस्टिंग रूट्स और डिस्टिंग रियल एज्यूम कर सकते हो या सिंपली रूट्स रियल अगर रिपीट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर देंगे यार तो इस सिचुएशन में सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा तो जनरल सोल्यूशन अगर वाई ऑफ एक्स लिखेंगे तो वो क्या सी वन प्लस सी टू एक्स पावर लेमडा वन एक्स लिख सकते हैं तो so बेसिकली ये क्या है अल्फा प्लस आइटा बीटा ऑफ एक्स प्लस ये रिपीट कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं सी थ्री प्लस सी फोर एक्सू दावर अल्फा माइनस आइटा बीटा ऑफ एक्स प्लस रिमेनिंग जो आएगा आई वरिंग फ्रॉम फाइव टू एन सी आई ई टू दावर लेमडा फॉर्म आ जाएगा आई थिंक यहां तक क्लियर है अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो ये सिंप्लीफाई होके क्या टर्म्स आ जाएंगी वो डिसाइड करते हैं तो इस चीज को y ऑफ x इक्वल टू c1 वन प्लस सी टू एक्स ये आपके पास टर्म आ जाएगी e टू दावर अल्फा x यहां से कॉमन आउट ठीक है और यहां से भी e टू दावर अल्फा x कॉमन आउट तो रिमेनिंग टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूं तो e टू द पावर अल्फा एक्स तो फर्स्ट c1 वन प्लस सी टू एक्स और इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस आईटा टाइम्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस सेकेंड टर्म c3 थ्री प्लस सी और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा अगेन कॉस ऑफ बीटा एक्स माइनस आइटा साइन ऑफ बी एक्स और रिमेनिंग टर्म जो रहेंगी वो सेम रहेंगी ठीक है और पूरी क्वांटिटी ई टू द पावर अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई है तो ई टू द पावर अल्फा एक्स तो यहां से कोस एक्स का कोफिशियंट तो सी वन प्लस सी थ्री इंटू कोस ऑफ बी एक्स देन साइन ऑफ और एक्स इंटू कॉस बीटैक्स का कॉफिशियंट या इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं इस पूरे कॉस बीटैक्स के कॉफिशियंट को लिख लेते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स सी थ्री प्लस सी फोर एक्स होल इंटू कॉस ऑफ बी टैक्स प्लस साइन बीटाक्स में आइटा कॉमन आउट सी वन प्लस सी टू एक्स सी थ्री प्लस सी फोर एक्स विद माइनस साइन एंड होल इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस रिमेनिंग टर्म सारी सेम रहेंगे तो यहाँ से ये जो कॉन्स्टेंट है इनको न्यू कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे सी वन प्लस सी थ्री को एक न्यू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं तो ई टू दावर अल्फा एक्स सम सी वन डैश प्लस सी टू डैश एक्स होल इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स आ गया प्लस यहाँ से सी वन माइनस सी थ्री इस इन टू आईटा इसको क्या लिख सकते हैं सी थ्री डैश प्लस सी फोर डैश एक्स होल इन टू साइन ऑफ बीटा एक्स यह आ जाएगा प्लस रिमेनिंग जो कोफिशेंट है वो सेम यानी कि जब भी आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट कर रहा है तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं कोस भी टाइप के हो सकते हैं एक्स टाइम कोस भी हो सकता है साइन भी हो सकता है एक्स टाइम साइन भी हो सकता है तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है तो बेसिकली आपके पास चार पर्टिकुलर केसेस हैं फर्स्ट ऑल रूट्स आर डिस्टिंग सेकेंड सम ऑफ रूट्स आर रिपीटेड थर्ड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बट डिस्टिंग और फोर्थ कॉम्प्लेक्स रूट्स कैन बी रिपीटेड तो हर केस में आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट है वो डिसाइड हो गया ठीक है तो मैं इस लेक्चर को अभी यहीं बाइंड अप करता हूं तो आपने आज के लिए इस लेक्चर में डिस्कस करा है कि ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रियल तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ठीक है तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले सेकंड ऑर्डर के लिए ये सारी सिचुएशन लिखोगे सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देन मैं डिटेल में उसको कंटिन्यू करूंगा ठीक है थैंक यू